एसी नहीं फटता है, एसी में पहले शॉर्ट सर्किट होता है उसके बाद आगे ब्लास्ट होता है। मम्मी कहती है कि एसी का बिल बहुत आता है, तो ये दो चीजें आप मेरे को बताओ कि एक तो बिल कैसे कंट्रोल करें। कोई भी सेल्समैन है वो आपको वो चीज देगा जिसमें उसका मार्जिन जाता है। कोई प्रोडक्ट खराब होता है, कोई इंजीनियर आएगा या मैकेनिक आएगा, ज्यादातर आपको उल्टू बनाते हैं। क्योंकि ने देखा होगा सेल्स में 40% 60% डिस्काउंट पे चलो, बताना चाहते नहीं क्योंकि अगर वो बताएंगे तो आपसे पैसे नहीं कमा पाएंगे। सेल से नहीं कमाना, सर्विस से कमाना। इसका कई लोग गलत फायदा उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे क्योंकि उसमें हमारी ईमेल आईडी भी जाती है, हमारा मोबाइल नंबर भी जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी वॉइस जाती है, इवन हमारे पूरे परिवार की वॉइस चली जाती है। तो वो एक रिस्की है। के चैनल का नाम पूछे, तो एक बार सारे देखने वालों को भी बता दो अच्छे से। डू फॉलो आवर चैनल एट एम ब्लॉग। संदीप जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कैसा चल रहा है एम ब्लॉग? कृपा है जी, मालिक जी बढ़िया चल रहे हैं, प्यार मिल रहा है लोगों का। आपकी मैंने वीडियो देखी कुछ दिन पहले, मैंने देखनी शुरू की क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट है कि ज्यादा देखने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन बड़े टाइम के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी अच्छी नॉलेज, इतनी अच्छी अवेयरनेस वाली मुझे वीडियो देखने को मिली। तो आपकी स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के ऊपर, इलेक्ट्रिकल जो हमारे एसी फ्रिज और गीजर वगैरह, होम अप्लायंसेस जो है, तो उसके बारे में आपकी एक्सपर्टाइज है और आप गाइड करते हैं लोगों को। तो इस फील्ड में पहले कैसे इंटरेस्ट हुआ और फिर उसके बाद यूट्यूब पे इस तरह की नॉलेज शेयर करने का आइडिया कैसे आया? ये शौक है मेरे को टेक्निकल चीजों का, और हम एक ऐसी फैमिली से आते हैं जो टेक्निकलिटी हमारे खून में है जी, तो टेक्निकल चीजें बहुत जल्दी समझ आती है। और फिर सोचा कि जो हमें समझ आता है वो लोगों को भी समझा दिया जाए, क्योंकि तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मान लो आपका कोई प्रोडक्ट खराब होता है, कोई इंजीनियर आएगा या मैकेनिक आएगा, ज्यादातर आपको उल्लू बनाते हैं क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती चीजों की। तो एक आइडिया आया कि लोगों को जो टेक्निकल नॉलेज है वो सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझा दी जाए, और अच्छी बात यह है कि लोगों तक बात पहुंच जाती है। नहीं, बड़े अच्छे से पहुंच रही है। ये जो चीज आपने कही, घर में कभी भी कोई इक्विपमेंट खराब होता है, फैन से लेके एसी तक हम बात करें, तो जब भी आएंगे, अब थोड़े दिन पहले हमारी एक वॉशिंग मशीन खराब हो गई, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई, मैकेनिक को बुलाया, गारंटी खत्म हो चुकी थी तो प्राइवेट किसी को बुलाया, उसने थोड़ी देर इधर उधर कुछ किया और उसके बाद उसने कहा जी तकरीबन 3500 रुपए इसमें खर्चा आएगा। तो मैंने कहा मैं एक बार ना दूसरा ओपिनियन ले लेता हूँ। तो नरेना में मेरे एक दोस्त है, मैंने उनको फोन किया, उन्होंने अपना एक इलेक्ट्रीशियन वो जो मैकेनिक है भेज दिया। उसने आके एक प्लग जो पीछे लगा हुआ था उसमें दो तारें थी, उसने जान के उल्टी लगाई हुई थी, सिर्फ उसने वो तार सीधी की और उसके बाद वॉशिंग मशीन जो है वो आज तक उसके बाद तकरीबन एक साल होने को है बिल्कुल ठीक से काम कर रही है। अब उस चीज के वो 3500 रुपए मांग रहा था। तो आपको नॉलेज नहीं होती है बीइंग ए कस्टमर कंज्यूमर, किसी भी चीज की हमें नॉलेज नहीं है। ठीक है, हमने चीज यूज करनी है, हम ले लेते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको हर चीज की नॉलेज भी हो। तो मेरी कोशिश यही रहती है, बहुत सारी वीडियोस हैं कि आपको मैं बताता हूं कि अगर आपके पास कोई आता है तो आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एग्जांपल, आपने कोई एसी लिया है, उसकी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। लोगों को यहां तक नहीं पता कि एसी में गैस भी डलती है, तो जब वो खराब हो जाता है तब उन्हें पता लगता है अच्छा इसमें गैस भी डलती है। जब आपके पास कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होता है तो आपको सामने वाला बंदा पागल नहीं बना पाता। लेकिन हमारे यहाँ पे तो ये ट्रेंड है नहीं, बाहर दूसरे कंट्रीज में, अब जैसे मुझे बाहर भी कई बार जाना पड़ता है, कनाडा में है तो वहां पे कोई भी चीज लेके आते हैं तो उसके साथ कैटलॉग होते हैं और मैक्सिमम लोग अपने घर की चीजें खुद ही रिपेयर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये तो छोटी चीजें हैं, एसी फ्रिज वगैरह, कार भी अगर लेके आते हैं ना 15-20 लाख की, इतने सारे कैटलॉग मिलेंगे,
बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन पंजाबियों की खासियत है कि हम कभी भी उसे खोल के नहीं देखते, कोई नहीं पढ़ता, उनको साइड में रख देते हैं। बाकी उनमें भी ट्रबल शूटिंग्स वगैरह होती हैं, बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि ब्रांड्स यही चाहते हैं कि आपके पास टेक्नीशियन आए उनकी तरफ से, क्योंकि ब्रांड ने सेल से नहीं कमाना, सर्विस से कमाना है। आप मेन कमाई तो बार बार यही से, वो यही चाहते हैं कि आप सर्विस लें बार बार, तब उनकी कमाई होगी। तभी आपने देखा होगा सेल्स में 40% 60% डिस्काउंट भी चलता है। उनका मोटिव यह है कि प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाए एक बार, उसके बाद आप उनके हो, जब भी खराब होगा आप कॉल करोगे, वो इस चीज से कमाते हैं। तो क्या शुरू से ही आप इस लाइन में थे, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करके तो इलेक्ट्रॉनिक लाइन में थे या नहीं? मैंने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ। क्या बात है, क्या बात है, फैशन डिजाइनिंग से अपैरल लाइन में था, गारमेंट लाइन में, फिर मैंने जॉब भी किया था वहां पे, बट वो एटमॉस्फेयर मुझे सही नहीं लगा तो मैंने फिर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने टाटा स्काई में काम किया है बहुत साल, फिर एसीज का काम किया है हमने काफी साल, तो टेक्निकल नॉलेज है। बाकी उस जब एसी का जो काम किया वो नॉलेज मतलब गैदर अंदर ही रहती है सारी चीजें जी, क्योंकि जो हम एक बार चीज देख लेते हैं समझ लेते हैं वो कभी हमारे माइंड से होती नहीं है डिलीट जी। तो वो नॉलेज को मौका मिला तो फिर लोगों के सामने शेयर किया, अब वो लोगों को अच्छी लगी तो अब आप देख ही रहे हो उसका रिजल्ट। नहीं अब तो कई लाखों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जो कि हर दिन, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो किसी भी चैनल पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, जो चीजें आप हिडन इंफॉर्मेशन जो यूजुअली कोई बताता नहीं। आपने हमारी कोशिश यही रहती है कि हम वो बताएं जो कोई बताता नहीं है या किसी को पता ही नहीं है जी। ऐसा नहीं है कोई बताता नहीं है, लोग बताना चाहते नहीं है क्योंकि अगर वो बताएंगे तो आपसे पैसे नहीं कमा पाएंगे। अब जैसे आप कह रहे हो कि उसको तार उल्टी कर दी या जो भी था, अगर आपको बता देगा तो आप पैसे दे दोगे उसे 3500 रुपए जी। आपने सेकंड ओपिनियन ले लिया, लेकिन दुनिया नहीं लेती है, टाइम नहीं है लोगों के पास, वो कहते हैं ठीक है कर दो जो भी है, तो इस चीज का फायदा उठाया जाता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि हर चीज के बारे में लोगों को अवेयर कर दिया जाए ताकि थोड़ी बहुत नॉलेज हो उन लोगों को। ये ना अपनी अपनी आदत है, मेरी आदत ये है कि इवन होम्योपैथी की गोली भी खानी है ना, उसमें तो छोटी छोटी व्हाइट वो मीठी सी गोलियां होती हैं, तो मैं उसका भी सेकंड ओपिनियन लेता हूँ कि क्या मुझे ये वाकई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो मेरी ये एक आदत है, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है मुझे नहीं पता। नहीं ये बहुत अच्छी आदत है आपकी, मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को ये भी कहता हूँ मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको मिल जाए कोई तो 2-4 और देखो, मुझ पे यकीन मत करो, 2-4 और देखो उसके बाद किसी चीज पे अमल करो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है कि गलत हो, मेरी नॉलेज जो है लिमिटेड हो सकती है, बट सेकंड ओपिनियन जरूर ले लेना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले जो एक रीसेंट एपिसोड इंसिडेंट इवेंट मेरे साथ हुआ वाज अभी कुछ दिन पहले, मैं गीजर ऑफ करना भूल गई क्योंकि अब ठंड आ गई है, सो होता है ना कि पानी की थोड़ी चिलनेस कम हो जाए, सो मैंने सुबह गीजर ऑन किया एंड देन व्हाइल रशिंग टू स्कूल मैं गीजर ऑफ करना भूल गई। तो इसके मम्मी हमेशा कहती है कि गीजर ऑफ कर दिया करो, एसी ऑफ कर दिया करो, सो व्हाट इज द एक्चुअल रीजन कि हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मम्मी कहती है कि एसी का बिल बहुत आता है। तो ये दो चीजें आप मेरे को बताओ कि एक तो बिल कैसे कंट्रोल करे और दूसरा कि अगर ऐसे कभी भूल जाऊं तो दोबारा ऐसा ना हो। गीजर के केस में ऐसा अगर नहीं भी करते अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गीजर इस तरह से डिजाइन होते हैं कि वो एक लेवल के बाद आके कट आउट हो जाते हैं। बट अगर आपने पावर सेविंग करनी है और किसी भी चीज को लॉन्ग लाइफ चलाना है तो वो जरूरी है उसको रेस्ट देना, नहीं तो वो टेम्परेचर जब दोबारा से कम होगा तो वो दोबारा से ऑन हो जाएगा, उससे बिजली की मतलब खराबी होती है। तो ये चीज तो ठीक है कि जब आपका यूज खत्म हो गया तो आप उसे बंद कर दो, लेकिन बच्चे बहुत बार लापरवाही कर जाते हैं एसी में बैठे, नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि जब आप गीजर को लंबे समय तक चलाते हो तो गीजर एक बहुत ही हैवी चीज होता है, 2000 वॉट का होता है गीजर, तो तारे गर्म हो जाती हैं कई बार, उससे इलेक्ट्रिक मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, कई बार गीजर फट भी जाते हैं, तो जरूरी है यूज होने के बाद उसे बंद कर दो। अगर आपको मतलब किसी को भूलने की बीमारी है तो आप स्मार्ट प्लग ले लो, 700-800 रुपए का आता है, मोबाइल में सब कुछ होगा, आप उस पर चेक कर लो, शेड्यूल सेट कर लो,
तो आपका गीजर अननेसेसरली चलेगा ही नहीं, वो उतना ही चलेगा जितना आप यूज करोगे। मेरे घर में भी लगा हुआ है, 6:30 ऑन हो जाता है, 7:30 मुझे गर्म पानी मिल जाता है, उसके बाद 12:30 वो बंद हो जाता है सारे घर के जब नहा लेते हैं। वेरी गुड आइडिया स्पेशली फॉर मी। ये जो गीजर फटने की बात की, इस बार गर्मियों में बहुत सारे एसी फटे हैं और बहुत सारी जगह आग लग गई लोगों के घरों में और काफी नुकसान हुआ है, उसका क्या रीजन रहा हुआ? इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था प्रॉपरली, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ। एसी इस बार क्या गर्मी ज्यादा पड़ी है। हाँ जी। और जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो एसी को ज्यादा यूज किया जाएगा। एसी एक ऐसी चीज है, उसमें ना रेफ्रिजरेंट होता है, गैस होती है, वो टोटली टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। जब हम एसी को ज्यादा चलाते हैं, उसके अंदर भी मोटर लगी है, कंप्रेसर लगा है, वो ओवरहीट हो जाता है, और ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो ओवरहीटिंग की वजह से होती है। जब हम एसी को बंद ही नहीं करेंगे, चलाते ही रहेंगे तो वो ओवरहीट हो जाता है, जिसके कारण बेसिकली तारे जो है वो गर्म हो जाती है। एसी नहीं फटता है, एसी में पहले शॉर्ट सर्किट होता है, उसके बाद आगे ब्लास्ट होता है, तो उसको भी टाइम पे रेस्ट देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। रबानी जी समझ रहे हैं आप? रेस्ट अगर आप नहीं भी दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, 16-16 घंटे आप 20 घंटे एसी चला लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको टेम्परेचर आइडियल रखना है, जितना 26 रख सकते हो 27 रख सकते हो, बट लोग 16 पे एसी चलाते हैं, तो 16 पे एसी चलाने का मतलब है क्योंकि जरूरत नहीं है ना, 16 कमरे में मेंटेन होना है, आप उसको जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो कि ज्यादा कूलिंग कर, ज्यादा काम कर, तो वो गर्म हो जाता है, उसके कारण फिर वो खराब हो जाता है। इनका एसी जब गर्मियों में कई बार कूलिंग थोड़ी कम करता है ना, तो इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये जाके ना उसको थप्पड़ भी मार के आए कि और कूलिंग कर, मतलब वैसे गर्मी तो हो जाती है लेकिन एसी 25 पे चलता है। एसी बेसिकली एसी एयर कंडीशनर होता है बेसिकली, उसका नाम से ही आपको पता लग जाएगा एसी चीज क्या है, एयर को आपके हिसाब से कंडीशन कर देता है। जैसे हम आप इस कमरे में बैठे हैं तो हमें उस टेम्परेचर पे एसी रखना चाहिए जिसपे हम कंफर्टेबल फील करें। मैंने देखा है लोग 16 पे एसी चलाते हैं और कंबल लेके सो जाते हैं। कंबल लेने के लिए एसी लगवाया आपने या कंफर्टेबल रहने के लिए, और फिर कहते हैं बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। But then I am just gonna say something in my defense, क्योंकि मैं ये करती हूँ कई बार, तो वो उस नींद का भी अलग मजा आता है, मतलब that is something different, next level. Every Gen Z does this. अब ये एसी गीजर फ्रिज इनके लिए कोई बेस्ट टिप कि किस तरह से यूज किया जाए जिससे थोड़ा सा बिजली का बिल कम आ सके, उसके लिए कैसे? रेफ्रिजरेटर्स में तो खैर कोई ऐसी चीज है ही नहीं, रेफ्रिजरेटर आजकल आ रहे हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के, और रेफ्रिजरेटर एक ऐसी चीज है जो 24 घंटे चलता ही चलता है, उसको उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है, वो बीच में अपने आप रेस्ट ले लेता है, तो उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एसी में सिर्फ यही है कि आप टेम्परेचर को थोड़ा सा 26 या 7 पे रखो, अब तो गवर्नमेंट भी कहती है कि 24 स्टैंडर्ड उन्होंने कर दिया है, क्योंकि जितना टेम्परेचर आप हाई रखोगे उतना लोड एसी पे कम पड़ेगा। तो एसी को अगर लॉन्ग लास्टिंग चलाना है तो उसका यही है कि टाइम टू टाइम आप सर्विस कराएं, और दूसरा उसका टेम्परेचर जो है वो 26 या 27 पे रखें तो सही चलेगा। और गीजर में भी यही है, बट गीजर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो हार्ड वाटर होता है, खारा पानी। अगर आपने खारे पानी में गीजर को यूज किया है तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, सर्विसिंग मांगेगा, क्योंकि उसके अंदर स्केलिंग आ जाती है। तो अगर आपके यहाँ पर पानी का टीडीएस लेवल बहुत ज्यादा है, 800 है, 900 है, या फिर बोरिंग का पानी आप यूज कर रहे हो, तो आपको जरूरत है कि हर सीजन में गीजर को चलाने से पहले आप सर्विसिंग कराएं, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। और गीजर एक इतनी रिस्की चीज है कि आपको करंट लग सकता है नहाते हुए, तो गीजर की हमेशा सर्विसिंग करानी ही चाहिए ताकि वो ठीक रहे, क्योंकि पानी और बिजली का आपको पता ही है और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट, क्योंकि ज्यादातर लोग ना गीजर को ऑन करके ही नहाते हैं, तो ऐसे में उसमें खतरा ज्यादा है। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि गीजर को ऑफ करके नहाया जाए, बट लोग नहीं नहाते ऐसे। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हर लेवल के लोग दिल्ली में और हमारे आसपास रहते हैं, जो लोग गीजर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके पास और क्या अल्टरनेट है जिससे कि वो
पानी को गर्म करके और यूज कर सकें सर्दियों में? वो इमर्शन रॉड्स का यूज कर सकते हैं। इमर्शन रॉड्स जो होती हैं उनमें भी आजकल ऑप्शंस आ गए हैं, वो भी ऑटो कट हो जाती है गीजर की तरह, उनमें भी आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। तो इमर्शन रॉड इजीली मिल जाती है 800-900 रुपए की, वो यूज की जा सकती है। बस उसमें एक ये ध्यान रखना होता है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान से उसे यूज करना होगा, क्योंकि बच्चे पानी में कई बार हाथ डाल देते हैं। बाकी इमर्शन रॉड्स वाइडली यूज होती हैं क्योंकि सस्ती आती है। तो जैसे मेरा एक क्वेश्चन और था कि अभी जैसे आपने बताया कि रॉड्स में भी आजकल टेम्परेचर कंट्रोल है, तो जो ये नया हमारा होम अप्लायंसेस एक स्मार्ट एंड पे जा रही है, तो ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है नहीं है? क्योंकि जैसे अब हम सुनते हैं, आई माई सेल्फ एम स्टडिंग AI, तो हमें पता चलता है कि जो हमारे अप्लायंसेस में जो गूगल होम्स है या कुछ और भी ऐसे हियरिंग डिवाइसेस हैं, तो ये हमारी बातें सुनते हैं एंड देन हमारी रिसर्च रिजल्ट बनाते हैं बेस्ड ऑन आवर डेटा। तो ऐसी कौन सी अप्लायंसेस है, जैसे एक मैंने शायद मैंने गीजर भी देखा जो अपने आप ऐसे बंद हो जाता है अपने आप? गीजर है, सारे ही होम अप्लायंसेस आपका स्मार्ट आते हैं, IoT एनेबल्ड आते हैं। एसी, गीजर, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन सारे ही आते हैं। फैन तक आता है, सीलिंग फैन, तो आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपको नहीं मिलता है वो चीज कंपनी की तरफ से, तो आप स्मार्ट प्लग यूज कर सकते हो। स्मार्ट प्लग किसी भी चीज पे लग जाएगा? स्मार्ट प्लग यूज करके आप किसी भी, बेशक एक टीवी को भी स्मार्ट बना सकते हो, वो भी आपके मोबाइल से ऑन ऑफ हो जाएगा। सो अब ये जैसे आपने बताया कि फ्रॉम फैंस टू डिश वॉशर सब स्मार्ट हो गया, प्लग हमने यूज कर लिया, बट व्हाट इफ नेट ही नहीं है, तब क्या करें? लाइक यू डोंट हैव नेट, वाईफाई, एनीथिंग, यू आर स्ट्रैंडेड ऑन एन आइलैंड। तो अगर नेट ही नहीं है फिर तो आप स्मार्ट चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट ये है कि आपके घर में वाईफाई होना चाहिए, स्टेबल वाईफाई होना चाहिए, तभी ये चीजें चलेंगी। मोबाइल वर्ल्ड में कहीं भी होगा वहां से ऑन हो जाएगा आपका डिवाइस, लेकिन आपका जो इक्विपमेंट है जिसको आपने कनेक्ट किया है वो वाईफाई की रेंज में जरूर होना चाहिए। ये तो फिर हैक भी हो जाता होगा। हाँ, ये मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा था कि जैसा भी आपने बताया अलेक्सा ये है, इसमें हमारा डाटा स्टोर हो रहा है, राइट, हमारी वॉइस जा रही है, 100%। तो इसका कई लोग गलत फायदा उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे, क्योंकि उसमें हमारी ईमेल आईडी भी जाती है, हमारा मोबाइल नंबर भी जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी वॉइस जाती है, इवन हमारे पूरे परिवार की वॉइस चली जाती है। तो वो एक रिस्की है लेकिन कन्वीनियंस भी है, लोग ज्यादा कन्वीनियंस को पसंद करते हैं। मनदीप जी, आज आप अपने फील्ड के साथ साथ एक सक्सेसफुल यूट्यूबर भी हैं, लाखों लोग आपको डेली देखते हैं, सुनते हैं, नॉलेज आपसे ले रहे हैं, क्या ये शुरू से आपके मन में था और पहली बार में ही आपको इतनी सक्सेस मिल पाई? इसके पीछे जो आपका एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। यू विल बी द फर्स्ट, अगर मैं किसी को बता रहा हूँ, मेरे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, किसी को कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ ये पता है कि ये मनदीप सिंह इसका नाम है। इवन कईयों को वो भी नहीं पता क्योंकि चैनल के नाम से जानते हैं, और उन्हें सिर्फ ये पता है कि एसी के बारे में बताया जाता है यहाँ पे। 2008 में आई थिंक यूट्यूब इंडिया में आता है, और 2012 में फेसबुक आता है, जब मैंने पहला स्मार्टफोन लिया था। और उस टाइम मैंने एक चैनल यूट्यूब पे देखा और वीडियो देखी उसकी कि कौन सा फोन लेना चाहिए। वहां से ही मुझे क्लिक हुआ कि ऐसा ही कुछ करना चाहिए। लेकिन ओवर द टाइम कुछ सिचुएशन घर की ऐसी थी, हमारे पास ना ही कोई ऐसा कोई खास फोन था जो करें, ना ही नॉलेज थी कि कैसे होता है ये, और उस टाइम डाटा भी बहुत ही कम आया करता था। आजकल तो 1 GB आता है, उस टाइम तो MB में डाटा मिलता था। सो काफी बार कोशिश करी, काफी बार फेल हुए, बहुत सारे चैनल्स बनाए, और उसके बाद फिर लॉकडाउन लग जाता है, फिर सिचुएशन और हार्ड हो जाती है, बट फिर मौका मिल जाता है कि जो दिल में है वो कर लो। तो लॉकडाउन में एक वीडियो बनाई और वो एकदम से हिट हो गई, क्योंकि ऐसी नॉलेज यूट्यूब पे थी ही नहीं। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि ठीक है, अब यही काम हम करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में वेले ही थे, करना भी था, डाटा जियो वाला फ्री दे रहा था, तो वीडियोस बनाते चले गए।
लोगों को पसंद आती चली गई। नेचर शुरू से ये रहा है कि काम कोई भी करा है तो 100% दिया है उसको, काम छोटे भी करे हैं बड़े भी करे हैं, सिर्फ डेडिकेशन से करे हैं सारे का। आगे क्या प्लान है और क्या क्या प्रोडक्ट्स के बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं? हमारी फील्ड में तो खैर प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स हर साल नए मॉडल्स लॉन्च करते हैं और मेहनत ब्रांड्स करते हैं। हमारा काम है कि उस चीज को सिंप्लीफाई लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाना, तो वही हम करते रहेंगे। और जितनी हो सके आज भी कोशिश यही रहती है कि जो इंफॉर्मेशन कहीं नहीं है वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। लोगों को बुरा भी लगता है, क्योंकि अगर हम कुछ टेक्नीशियंस के बारे में बोलते हैं या कुछ है, ऐसी चीज बताते हैं जो कस्टमर के फेवर में रहती है, तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ जाते हैं, बट हम वीडियो उन लोगों के लिए बनाते हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, इसीलिए पॉजिटिव वे से काम करते हैं और चलता है चैनल। जब से वो सिरी वाली एलेक्सा वाली बात हुई है, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप हमें जो नियर फ्यूचर में जो अप्लायंसेस प्रोडक्ट्स आ रहे हैं स्मार्ट वे में, आप उनके बारे में थोड़ा प्लीज हमें बताएं। अब तक आपने जो अप्लायंसेस देखे होंगे वो अलग अलग एप्स के थ्रू हमें चलाने पड़ते हैं। करेक्ट। जैसे एसी है, डाइकिन का एसी है, तो डाइकिन की ऐप आपके फोन में आपको डाउनलोड करनी होगी। करेक्ट। इसी तरह से कुछ भी चीज है आपके पास उसकी अलग से ऐप है। करेक्ट। अब इंडिया में मैटर एक टेक्नोलॉजी आ गई है जो पैनासोनिक वालों ने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर लॉन्च की है। मैटर एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके अंदर आप किसी भी आईओटी इनेबल चीज को एक ही ऐप में चला सकते हो। ओके। तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, नए मॉडल्स आएंगे, तो जब सारे ही ब्रांड्स मैटर इनेबल चीजें बनाने लगेंगे तो सारी चीजें एक ही ऐप पे चलेंगी, फोन भी नहीं भरेगा। हाँ, तो ये काम पैनासोनिक ने अब कर दिया है। 2024 में मैटर इनेबल्ड एसी आए हैं उनके, बाकी भी वॉशिंग मशीन जितने भी अप्लायंसेस हैं उनके वो सब आ चुके हैं, तो अब हो सकता है आने वाले सालों में बाकी ब्रांड्स भी इस पे काम करें। रवानी, ये तो बड़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। डेफिनेटली। ठीक है, इससे क्या है कि आपको फोन में अलग अलग एप्स को रखने नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, उसके अंदर सारी लिस्ट आ जाएगी, आपको जो भी जिस भी अप्लायंस को करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑपरेट करना है, वो एक ही ऐप से हो जाएगा। आपने इनके चैनल का नाम पूछा? एम व्लॉग्स, मुझे पता है। तो एक बार सारे देखने वालों को भी बता दो अच्छे से, डू फॉलो आवर चैनल एंड एम व्लॉग्स। So, जैसे हम YouTube पे देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या तो प्रोडक्ट खरीदते हैं या कंपनी उन्हें प्रोडक्ट भेजती है, सो हाउ डू यू गेट द प्रोडक्ट इन द फर्स्ट प्लेस, आइदर द कंपनी सेंड्स यू और यू बाय इट, एंड जब आप वो प्रोडक्ट का रिव्यू दे चुके हो एंड यू आर डन विद द वीडियो, तो आप उस प्रोडक्ट का क्या करते हो? आइदर यू डू अ गिव अवे और यू गिव इट टू नीडी पीपल और यू कीप इट फॉर योर ओन सेल्फ। क्यों, आपको गिफ्ट चाहिए वो? नहीं, कुछ बहुत सारी, अब जैसे बहुत सारी चीजें पे, अब जैसे अब आदत है पूरा दिन रील स्क्रॉल करने की, तो उसमें लोग दिखाते हैं कि इतनी बड़ी उनके पास स्टोरेजेस हैं, मुझे लगा शायद अप्लायंसेस रखे हुए, मुझे लगा भी शायद उन्होंने रिव्यू कर लिए तो उसके बाद ये रवानी को भेज दें। नहीं नहीं बट आई वुडंट माइंड वाइज। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 80% हमारे ही होते हैं, हम खुद परचेज करते हैं। Right. और उसके पीछे रीजन ये है कि जो मैं बताना चाहता हूँ किसी प्रोडक्ट के बारे में वो मैं तब नहीं बता सकता अगर मुझे वो स्पॉन्सर्ड हुआ होगा। Right. तो मुझे जो बताना है वो मैं तभी बता सकता हूँ जब मैं उसको ओन करूंगा, क्योंकि जब आपको कंपनी प्रोडक्ट देती है तब आपको उनके हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है, उनके हिसाब से ही बोलना पड़ेगा। लेकिन कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती और मैं हमेशा नेगेटिव पॉइंट भी बताता हूँ, तो अगर आपको रियलिटी बतानी है किसी चीज की तभी बता पाओगे जब आपके पास वो चीज है अपनी सोल ओनरशिप। हाँ, अब सवाल ये आता है कि हम उनका क्या करते हैं। राइट। अब चाहे कंपनी भेजे चाहे हमने खरीदा हो, अब वो हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। बहुत सारे हमारे व्यूअर ऐसे बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि हमें दे दो, डिस्काउंट पे दे दो, बट वो हमारे एसेट है हमारा। हम एक वीडियो, एक मतलब मान लो हमने एसी को सोर्स किया है, खरीदा है,
हम उस एसी से 50 वीडियो बना सकते हैं आप ही लोगों को समझाने के लिए, तो वो हमारा एक एसेट है, तो उसको हम ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि वो हमने इन्वेस्टमेंट की है। सेम चीज अगर कोई ब्रांड ने हमें भेजा है वो भी हमारा एसेट ही है, हम उसको भी एसेट की तरह ही यूज कर रहे हैं। तो स्टोरेज बहुत बड़ी है, तो जैसे जैसे चीजें आती है तो हम अपने स्टोरेज से निकालते हैं चीजें, क्योंकि जब आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट होता है तो आप अच्छे से समझा पाते हो। इवन तो ये है कि भगवान की कृपा ऐसी है कि मेरी वीडियोस अगर आप देखें कभी तो 22-25 मिनट की वीडियोस हैं, उनमें कोई टेक्स्ट नहीं आएगा, कोई फोटो नहीं आएगी समझाने के लिए, बट समझाने का तरीका डिटेल में है कि बंदे को अच्छे से समझ आ जाता है। और ये चीज पता लगती है जब कमेंट्स आते हैं, लाखों कमेंट हैं वीडियोस में जो अप्रिशिएट करते हैं, तो उनसे पता लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। और मतलब ये नेचर होता है सरदारों का हेल्प करना किसी की, अब वो टेक्निकल हेल्प हो सकती है, पैसों से हो सकती है, अब जो मेरे पास है मैं तो टेक्निकल ही इंफॉर्मेशन दूंगा। ये सबसे बड़ी हेल्प है जो आप कर रहे हैं, बाकी चीजें जनरल गाइडेंस तो बहुत सारे लोग एक दूसरे के कर देते हैं, लेकिन ये जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है आपका इस बारे में बहुत ही कम, मुझे हार्डली एक या दो आज बड़े अरसे के बाद आप मिले हैं जो इस तरह का काम, इस तरह की मैं कहूंगा सेवा कर रहे हैं। हाँ, मैं इसको सेवा ही कहूंगा क्योंकि वो नॉलेज ना कोई देना चाहता है किसी को और ना ही किसी के पास है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि एसी कूलिंग करने का काम करता है, उसमें कूलिंग कैपेसिटी होती है हर एसी में। मेरे चैनल से पहले किसी को पता ही नहीं था कि कूलिंग कैपेसिटी नाम की कोई चीज होती है। ऐसी ऐसी चीजें हमने बताई हैं लोगों को कि अब वो जाके किसी शोरूम पे जब चले जाते हैं तो वो परेशान कर देते हैं सेल्समैन को, क्योंकि उन्हें उनसे ज्यादा पता होता है। ये जरूरी भी है, और ये जरूरी है जब आप 40-50 हजार रुपए खर्च कर रहे हो तो आपको सेटिस्फेक्शन जरूरी है, आपको एक अच्छी चीज लेना जरूरी है, क्योंकि कोई भी सेल्समैन है वो आपको वो चीज देगा जिसमें उसका मार्जिन ज्यादा है जी। तो कस्टमर को अवेयर करना अच्छी बात है। मंदीप जी, मैंने जो भी वीडियो देखी है सारी आपके हिंदी में है, तो स्पेशली जब मेरे कोई गेस्ट सिख परिवार से होते हैं तो मेरे जो छोटा सा चैनल है मेरा, आपका तो बहुत बड़ा चैनल है लेकिन जानने वाले बहुत हैं, क्योंकि मीडिया में लिखा बहुत, फोन आ जाते हैं कि आप दोनों सिख परिवार से हैं तो आप पंजाबी में वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो क्या आपको भी इस तरह के कोई मैसेज आते हैं कि लोग चाहते हैं कि पंजाबी में वीडियो बनाई जाए? बहुत मैसेज आते हैं ऐसे, क्योंकि और ये ज्यादातर मैसेज होते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए। ये बोलते हैं लोग कि तुम सिख हो के हिंदू हिंदी बोल रहे हो, इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स होते हैं वो। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें उस भाषा में बात करनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंच सके, और इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदी समझते हैं। इवन मेरे को ये बड़ा अंदर फीलिंग है कि मैं किसी तरह से अपनी वीडियो में तमिल या तेलुगु का वर्जन भी ले आऊं, क्योंकि साउथ इंडिया से मुझे व्यू नहीं आते हैं। तो जिस भाषा में कोई समझना चाहता है, इंफॉर्मेशन सब लेना चाहते हैं, लेकिन उन तक पहुंचेगी बात तभी जब आप एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलो। अब आपने वर्ल्ड में घूमे हो तो आप भी जहां पे जाते होगे वही लैंग्वेज में बोलते होगे जहां पे वो लोग समझ पाए। तो हिंदी कोई बुरी चीज नहीं है, और मैं तो ये कहूंगा कि जिनको पंजाबी आती है उनको हिंदी आती है। अगर आपको समझ आ रही है बात तो आम खाओ ना गुटलियों का क्या है। और बाकी बात रही पंजाबी मुझे आती है या नहीं आती, तो वीडियो की स्टार्टिंग ये वाली मैंने पंजाबी से ही करी थी। बहुत अच्छे। तो दोस्तों, आपके पास भी इसी तरह का कोई खास हुनर है, आप भी किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखते हैं और वो पब्लिक तक, आम लोगों तक शेयर करना चाहते हैं, तो आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। आप अपनी डिटेल कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हमारी टीम बहुत जल्द आपसे संपर्क करेगी, और नेक्स्ट उम्मीद करते हैं कि आप हमारे गेस्ट होंगे। हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके साथ ये पॉडकास्ट कर सकें। तो रबानी जी, चलें, बाय बाय करें। ठीक है, वन नहीं, उससे पहले एक जो मैं छोटी सी दुआ करता हूं अपने सभी देखने वालों के लिए, वो तो मैं
एक दुआ मैं करता हूँ हमेशा, मैं चाहता हूँ कि आज वो दुआ आप बोलो। So, जैसा कि दादा ने बोला, आज की विश मेरी तरफ से आप सबकी हस्ती बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। मुझे आगे का नहीं आता। अच्छा मेरी बारी। So, 1, 2, 3 बाय करो। 1, 2, 3 बाय। बाय। हमारे जो स्पेशल गेस्ट आए हैं, जिन्होंने आज इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी है, उनका थैंक्स कौन करेगा? हम। तो पहले उनका थैंक्स करो, उसके बाद हम बाय करेंगे। ओके। तो मंदीप सर फ्रॉम एम व्लॉग्स, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आज आप यहाँ हमारे शो पे आए और आपने हमें और मुझे और मेरे सारे जेन ज़ी फ्रेंड्स को इतनी इंफॉर्मेशन दी कि आगे हमारे हमें कोई पागल ना बना सके ड्यूरिंग टेक्निकल अप्लायंसेस खरीदने में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1, 2, 3 बाय।